हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है लूसियाना। मूवी स्टार्ट होते ही तीन मजदूर दिखाए जाते हैं जो डर की वजह से एक दीवार को देख रहे थे। तभी वहाँ से एक आदमी आता है और उन्हें दीवार तोड़ने के लिए बोलता है। एक मजदूर दीवार तोड़ना शुरू करता है, तभी दीवार के अंदर से उसका कोई हाथ पकड़ लेता है और डर कर तीनों मजदूर भाग जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम बिलवा होता है। तभी वहाँ पहले सीन वाला आदमी आता है जिसे विलवा डॉक्टर कहकर बुलाती है। विलवा उससे बोलती है कि हमें रिपेयरिंग वाला काम बंद कर देना चाहिए और कहती है कि जो उन मजदूरों के साथ हुआ है वो सही नहीं है और किसी को भी उस रेड वार्ड में नहीं जाना चाहिए। तभी डॉक्टर कहता है कि वो बस एक दीवार है, तुम सब कहानियां बना रहे हो। और हमें पता चलता है कि ये एक हॉस्पिटल है। तभी स्क्रीन पर कुछ पेपर कटिंग दिखाई जाती है में हमें दिखाया जाता है कि इस हॉस्पिटल को डेमन ने पजस कर रखा है और यहाँ कभी मासेकर हुए थे और ये हॉस्पिटल हॉन्टेड है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक औरत दिखाई जाती है जो अपनी लड़की जिसका नाम लूसियाना होता है उससे किसी चीज़ को लेकर बहस कर रही होती है और फिर वो अपने काम पर चली जाती है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि वो एक डॉक्टर है और उसी हॉस्पिटल में काम करती है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। डॉक्टर किसी पेशेंट को देखने जाती है और उससे बात करती है। तभी पेशेंट डॉक्टर से कहता है कि रेड वार्ड की बात करता है और कहता है कि कुछ सालों पहले रेड वार्ड में कत्लेआम हुआ था, तभी से शैतान रेड वार्ड में रहता है। तभी वहाँ से एक नर्स एक छोटे लड़के को व्हील चेयर पर ले जाती है और वो छोटा लड़का डॉक्टर की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल करता है। तभी हमें रेड वार्ड दिखाई जाता है, एक ओल्ड पेशेंट रेड वार्ड की तरफ क्रीपी तरह से चलकर जा रहा था और रेड वार्ड में जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है तभी वहाँ विलवा आ जाती है और उसके आँखों पर हाथ रखकर उसको ले जाती है और रेड वार्ड की तरफ क्रीपी नज़रों से देखती है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें लूसियाना दिखाई जाती है जो सो रही होती है। तभी वहाँ लूसियाना का बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम आंद्रे होता है और वो इंटीमेट होने लग जाते हैं। तभी लूसियाना की माँ दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल में अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी वहाँ हेड डॉक्टर आता है और लूसियाना की माँ को बुलाता है, आज आप नाइट ड्यूटी करेंगी। और लूसियाना की माँ हाँ कर देती है और बोलती है कि स्टाफ को डरने की जरूरत नहीं है, रेड वार्ड में कुछ नहीं है। तभी डॉक्टर अपनी बेटी लूसियाना को मैसेज करती है और कहती है कि आज मैं नाइट ड्यूटी है और मैं सुबह आऊँगी। डॉक्टर अब हॉस्पिटल में घूम रही होती है, तभी वह उसी ओल्ड पेशेंट को देखती है जो रेड वार्ड की तरफ गया था और वो एक स्ट्रेचर पर सोया हुआ था। अचानक डॉक्टर देखती है कि वो गायब हो चुका है। तभी वो ओल्ड पेशेंट उसे कहीं जाता हुआ दिखाई देता है और डॉक्टर उसके पीछे चली जाती है। वो कहती है कि वो ओल्ड पेशेंट रेड वार्ड की तरफ जा रहा होता है। तभी डॉक्टर वो सीन देखती है जो हमें पहले दिखाया गया था, विलवा फिर से उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे कहीं ले जाती है और डॉक्टर ये सब देखकर कुछ डर सी जाती है। तभी डॉक्टर रेड वार्ड में देखती है भी वही छोटा बच्चा व्हील चेयर पर डॉक्टर को रोक लेता है और डॉक्टर उसे अपने वार्ड में ले जाती है। तभी विलवा हेड डॉक्टर को बोलती है कि रेड वार्ड की दीवार को तोड़ने से 30 साल से जो शैतान सोया हुआ था वो जाग गया है और उसकी ताकत बढ़ रही है। विलवा डॉक्टर को बोलती है कि हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो किसी के शरीर में घुस जाए। डॉक्टर बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी विलवा बोलती है कि मलिंगलो लौट आया है और उसे बोलती है हमसे कोई उसे रोक नहीं पाएगा सिवाय प्राचीन तांत्रिकों को जिन्होंने उसे यहाँ बंद किया था। हेड डॉक्टर उसे घर जाने के लिए बोलता है। तभी विलवा बोलती है कि आप मेरी एक बात याद रखना, कभी भी उसकी सीटी सुनाई दे तो उसकी आंखों में मत देखना और वहाँ से चले जाना। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक एम्बुलेंस आती है। तब डॉक्टर जाके देखती है तो वहाँ उसकी बेटी लूसियाना और आंद्रे आए हुए थे। आंद्रे को चोट लगी थी। तभी डॉक्टर अपनी बेटी को पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। लूसियाना कहती है कि पार्टी में हमारा झगड़ा हुआ था, उसमें उससे चोट लगी। तभी लूसियाना दिखाई जाती है जिसे सिट्टी की आवाज़ सुनाई देती है और उसे दिखता है कि आंद्रे का स्ट्रेचर अपने आप कहीं जा रहा है और लूसियाना भी उसके पीछे चली जाती है। तभी लूसियाना रेड वार्ड की तरफ चली जाती है और उसे रेड वार्ड की दीवार से सिट्टी सुनाई देती है और लूसियाना रेड वार्ड के अंदर चली जाती है। तभी किसी एंटिटी का हमें हाथ दिखाई देता है जो लूसियाना को पकड़ के रेड वार्ड के अंदर ले जाता है। तभी हमें वो ओल्ड पेशेंट दिखाया जाता है जिसे रूम में एक एंटिटी दिखाई जाती है और वो चिल्लाने की आवाज़ के साथ स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि शायद ओल्ड पेशेंट को उस एंटिटी ने मार डाला था। दूसरी तरफ डॉक्टर लूसियाना को फ़ोन करती है लेकिन ना तो उसका फ़ोन मिलता है ना वो हॉस्पिटल में कहीं मिलती है। डॉक्टर नेट पर मलिंगलो को सर्च कर रही होती है। दूसरी तरफ है डॉक्टर उस मरे हुए ओल्ड पेशेंट की ऑटोप्सी कर रहा होता है
तभी वहाँ व्हील चेयर वाला छोटा लड़का आता है और वो ओल्ड पेशेंट को उसकी तरफ देखते हुए दिखाई देता है। तभी डॉक्टर उस छोटे लड़के को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी हमें लुसियाना दिखाई जाती है जो अब पोजेस्ट हो चुकी है और वो एक पेशेंट को हॉन्ट कर रही होती है। दूसरी तरफ लुसियाना छोटे बच्चे को हॉन्ट कर रही होती है और वो छोटा बच्चा उससे डर कर भाग रहा होता है और लुसियाना छोटे बच्चे को मार डालती है। अब लुसियाना पूरे हॉस्पिटल को हॉन्ट कर रही होती है और हेड डॉक्टर को भी ये बात पता चल जाती है कि हॉस्पिटल में सच में ही शैतान है। हेड डॉक्टर देखता है कि ज़्यादातर स्टाफ मारा गया है। तभी आंद्रे को लुसियाना दिखाई देती है जो पोजेस स्टेट में होती है। तभी लुसियाना आंद्रे को मार देती है। तभी वहाँ लुसियाना की माँ आती है और हेड डॉक्टर उसे बोलता है कि उसकी बेटी पोजेस्ट हो चुकी है। तभी लुसियाना हेड डॉक्टर को हॉन्ट करके उसको भी मार देती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है और लुसियाना को पोजेस स्टेट में देखकर लुसियाना को बोलती है। भी लुसियाना अपनी माँ को देखकर रेड वार्ड में चली जाती है। अब डॉक्टर बोलती है कि कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सकता है। तभी वहाँ विल्वा आती है और वो डॉक्टर को बताती है कि मलिंगलो जंगल का खतरनाक जीव है जिसके पास शैतानी ताकत होती है कि कुछ सालों पहले कुछ तांत्रिकों ने मलिंगलो को हराया था और उसे बहुत चोट आई थी। तब उसे जंगल से हॉस्पिटल लाया गया था लेकिन तब पता चला कि मलिंगलो अकेला नहीं आया था। तभी एक तांत्रिक बताता है कि मलिंगलो को कभी मारा नहीं जा सकता, बस उसको कैद किया जा सकता है। तभी तांत्रिक एक क्रीपी सा मुखौटा पहनकर बोलता है कि उसे हराने के लिए हमें उसका शरीर ढूंढना होगा। तभी पूरे हॉस्पिटल में पवित्र मिट्टी छिड़की जाती है और लुसियाना को उस मिट्टी की सहायता से पकड़कर बांध लिया जाता है। तांत्रिक डॉक्टर को बोलता है कि लुसियाना की आत्मा को बचाने के लिए आपको अंधेरी दुनिया में लुसियाना की आत्मा को खोजना होगा। तभी एक विधि के द्वारा डॉक्टर की आत्मा को अंधेरी दुनिया में लुसियाना की आत्मा को खोजने के लिए भेजा जाता है। वहां डॉक्टर को ओल्ड पेशेंट, वो छोटा लड़का और हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ की आत्मा दिखाई देती है। लास्ट में डॉक्टर लुसियाना की आत्मा को ढूंढ लेती है और उसे वापस शैतान की कैद से ले जाती है। लुसियाना शैतान की कैद से वापस आ जाती है लेकिन हमें पता चलता है कि शैतान ने लुसियाना की माँ को कैद कर लिया है और वो अंधेरी दुनिया में कैद हो चुकी है। तभी तांत्रिक खुद अंधेरी दुनिया में जाता है और अपने आप को सेक्रीफाइस करके लुसियाना की माँ को बचा लेता है और खुद अंधेरी दुनिया में कैद हो जाता है। अंत में लुसियाना और उसकी माँ को हॉस्पिटल से बचा लिया जाता है लेकिन मलिंगलो विल्वा को पोजेस कर लेता है और अंत में दिखाया जाता है कि विल्वा रेड वार्ड के अंदर ट्रांस स्टेट में चली जाती है।